एक बार क्या हुआ, दो मित्र जाड़े की भयंकर सर्दी रात में अकड़ रहे थे, कांप रहे थे, भूखे थे। अब वर्षा हो गई थी तो कहां जाए, जंगल में अटके थे। तब तक वो बगल वाले मित्र ने अंधेरे में कुछ खाना शुरू किया तो दांत से वो चबाए तो कट कट की आवाज हो। तो इस मित्र ने कहा कि क्या खा रहे हो? वो बोला चने खा रहे हैं। बोले अजीब मित्र, हमको नहीं दिया, हमें भी तो दो, हम भी तुम्हारे साथ भूखे हैं, तुम अकेले ही खा रहे हो, हमको भी तो खिलाओ। तो वो बोला चने हैं कहां? बोले फिर खा क्या रहे हो? बोले हम तो कल्पना के चने खा रहे हैं। कल्पना के चने खा रहे, तो वो मित्र हंसकर बोला कि जब कल्पना के ही खाने थे तो चने काहे खा रहे हो, लड्डू क्यों नहीं खाते? जब कल्पना से ही, तो कल्पना के चने खाते तो लड्डू काहे नहीं खाते, उसमें क्या बिगड़ता? तो यही महात्माओं ने हम लोगों से कहा है कि मन को अगर कल्पना के चने ही खाने हैं, संसार की तरफ ही जाना है, तो भगवान की ही कल्पना के लड्डू खाए तो कल्याण हो जाए। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। प्रेमी से पूछो। एक महिला गरीबनी थी, अपने बेटे को गोद में लेकर आती। राजा ने कहा, देवी तुम तो गांव भर में भिक्षा के लिए जाती हो, गरीबनी हो, हां तो तुम ढूंढ कर बताओ कि पूरे शहर में सबसे सुंदर बालक कौन है। दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, राजा ने कहा कल भर। जब चौथे दिन आई, अपने बच्चे को गोद में ली, राजा ने पूछा सबसे सुंदर, वो बोली यही है। राजा ने कहा ये आंखों में कीचड़ ना और गंदा और गोद मिली, न सकल न सूरत, और राजा का बेटा तुम्हें अच्छा नहीं लगा, गांव भर में कितने सुंदर हैं वे तुम्हें नहीं दिखाई पड़े, यही सबसे सुंदर है। राजा बोला ये बात हमें समझ में नहीं आई। वो देवी बोली कि समझ में आ ही नहीं सकती, अगर इसको सुंदर देखना हो तो मेरी आंखों से देखो तो पता लगेगा कि ऐसा है। इसलिए भक्त की आंख ही ऐसी होती, वहां समझ काम नहीं करती, इसलिए समझ वाले यहीं रह जाते हैं।